बात मेरी नहीं, बात सैयदा जैनब की है। कैदी बन के जब कूफे में पहुंची थी, लोगों ने रो रो के दिखाया तो उन्होंने कहा था ड्रामे ना करो, तुम्ही ने बुलाया और साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा था जाओ, तुम्हें सुबह कयामत तक इसी तरह रोना पड़ेगा। तो भाई हम अहले बैत के साथ हैं, हम अहले बैत के साथ हैं। क्या नाम है अभी फिलिस्तीन के वो इस्माइल हानिया, आप देखें ईरान में बुला के मार दिया जाता है। काश इस्माइल हानिया को ये मालूम होता कि ये कूफा वाले कभी वफा नहीं करते, इन पे भरोसा कैसे कर लिया, भरोसा कैसे कर लिया। कल हुसैन को बुला के धोखा दिया था, आज इस्माइल हानिया को बुला के धोखा दिया। मगर याद रखना, फिलिस्तीन कल भी रब के रहम पे था, आज भी रब के रहम पे है। उसके महाफिज पैदा होते रहेंगे। मेरे नबी ने फरमा दिया था एक कौम ऐसी होगी जो फिलिस्तीन के लिए लड़ती रहेगी, लड़ती रहने रहेगी, मतलब मेरे नबी के जुमले, कितनी भी कोशिश कर लो इस कौम को मिटा नहीं सकते हो, मिटा नहीं सकते हो। अगर 313 भी ये बचेंगे तो ये लड़ते रहेंगे। मुझे मतलब सऊदीया के दलाल और अय्याशों से नहीं, जिन्होंने अरब की जमीन पे जुए और अय्याशी के अड्डे खोले हैं। मुझे तो सवाल उन लोगों से है कि जिन्होंने नबी के सहाबा की भी गैरत नहीं की, जिस जमीन को नबी के 1.5 लाख सहाबा ने सजाया, जिस जमीन पे लाखों सहाबा आराम कर रहे हैं, कम से कम बेगैर तो उनकी तो गैरत की होती। जिन्होंने मदीने के लिए जाने कुर्बान की, उनके लिए तो गैरत की होती। उन औरतों का ख्याल तो आया होता जिन्होंने मदीने मक्के के लिए चेचे माँ के बेचे बच्चे कुर्बान किए थे। तुम इतने गए गुजरे दलाल निकले, तुम तो मुस्तफा से भी वफा न कर सके, कौन से क्या वफा करोगे। याद रखिएगा लोगों, किसी भी हुक्मरान की जिंदगी हमारे लिए दलील नहीं हो सकती है। अगर काबे की चाबी हाथ में रखता हो और यकीदियों की नाजायज औलाद हो, हमारे लिए काबे की चाबी होने वाला काफी नहीं है। हमारे लिए काफी होने के लिए मुहम्मदी होना जरूरी है। मुहम्मदी वो होगा जिसके सीने में उमर वाला जज्बा भी होगा, अबू बकर वाला ईमान भी होगा। शर्म नहीं आती है? अल्लाह आपको सलामत रखे। नफरत करो इन कुत्तों पे, लानत भेजो जो अय्याशी में डूब गए। फिलिस्तीन के बच्चों को देखो, आज खुदा की कसम करबला याद आता है। करबला, करबला, बारिश का पानी टपक रहा है, एक बच्चे को देखा ना, वो उसमें मुंह फैला के खड़ा, चंद कतरे गले में गिर जाएं। और अरब के अय्याश सोनों पे पलने वाले दलाल, ये शराब के नशे में डूबे हुए हैं। इन्हें उम्मत दिखाई नहीं दे रही है? इन्हें उम्मत दिखाई नहीं देती? एक इंटरव्यू आया फिलिस्तीन से, एक बच्ची ने अपनी मां से कहा, अम्मी रात मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे। बच्ची कह रही है, बच्ची 5 या 4 साल की बच्ची है, कह रही है अम्मी रात मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे। कहा बेटी क्या हुआ? कहा अम्मी उन्होंने अपने हाथों से मुझे यूं प्याला बना के कुछ पिलाया। 6-5 साल की बच्ची कह रही है उन्होंने अपने हाथों से कुछ बना के मुझे पिलाया। कहती मां ने कहा बेटी जायका कैसा था? कहती अम्मी ऐसा लग रहा था जैसे पानी में शहद मिलाया गया है, जैसे पानी में शहद मिलाया गया है। वो बच्ची कह रही थी अम्मी हुजूर आए, मुझे सीने से लगाया, कहा अपने हाथों से उन्होंने कुछ पिलाया, अब तक प्यास नहीं लग रही है। कहा बेटी तूने कैसे पाया? कहा जब वो आए उन्होंने इतना प्यार किया अम्मी, मुझे उनसे दोस्ती हो गई है, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। सोचो अगर फिलिस्तीन की बच्चियों को पानी पिलाने के लिए मदीने वाला आ सकता है, तो फिलिस्तीन को बचाने के लिए नबी का उमर क्यों नहीं आ सकता? इससे नसीहत सीखे अरब के दलाल अय्याश। अय्याशी में डूबने वालों, जिंदगी 4 दिन की है, तुमसे पहले भी आए और आकर के चले गए। जब यजीद जैसा यार ना रहा तुम्हारी औकात क्या है? जब यजीद जैसा ना बचा तुम्हारी औकात क्या है? मुसलमानों
पूरी दुनिया आज उन मजलूमों के साथ है, हर धर्म का बंदा उनके लिए दुआ कर रहा है। सोशल मीडिया पर चेक कीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग निंदा करते हैं इन लोगों की कि बच्चों के साथ ये रवैया। जंग जंगी उसूल से होती है, जंगों में बच्चे नहीं मारे जाते। और इस्लाम की तो ये तारीख रही है, जब मेरे नबी ने पहला लश्कर इस्लाम का तैयार किया जिसे बद्र का लश्कर कहा जाता है, और 313 सजाए मेरे नबी ने, तलवारें भी पूरी नहीं थी, खंजर भी पूरे नहीं थे। किसी पे ढाल है तो तलवार नहीं, किसी पे तलवार है तो ढाल नहीं, हैं 5-6 घोड़े 7-8 ऊंट, खाली हाथ दौड़ लिए। यहूदी कहने लगे, दुश्मन इस्लाम कहने लगे कि भाई खाली हाथ लड़ने चले आए, तुम्हें मां प्यारी नहीं है, मां प्यारी नहीं है। बड़ी प्यारी बात कही थी उन्होंने, कहा था न ताजो तख्त पर क्या है, न जोहदो इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। कहा तुम खाली हाथ देख रहे हो, हम हुजूर के बाहर भरोसे आए हैं। और मेरे नबी ने खाली हाथ वाले बंदों के हाथ में लकड़ी दी, लकड़ी वह चलो दौड़ जाओ, न ढाल न जिरा न बख्तर न सीना बंद न कलाई बंद, कुछ भी नहीं, हुजूर ने लकड़ी दी दौड़ गए। कैसा अकीदा था, कैसा अकीदा था, हुजूर ने लकड़ी दी है तो काम पूरा होगा, काम पूरा होगा, अकीदा इतना पक्का। खुदा की कसम दुनिया जानती है तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रखी। 313 ही लड़ गए, लड़ गए कि नहीं, 313 बोले हैं। हुजूर ने वो लश्कर सजाया तो मेरे नबी ने कहा था सुने, बच्चों पे औरतों पे तलवार ना उठाना, और तलवार चलाते चलाते अगर तू कोई तुमसे अमान माल मांग ले उसे भी माफ कर देना, बूढ़ों पे और गुलामों पे तलवार ना चलाना, लड़ना उससे है जो तुमसे लड़ने आए, समझ गए, लड़ना उससे है जो तुमसे लड़ने आए। तुमने जिहाद की तफसीर गलत बयान की है, तुमने जिहाद को कत्ले आम कहा है, ये कत्ले आम नहीं, समझे इस बात को। नबी ने कहा बच्चे और औरतों पे हाथ ना उठाना, और उस पे भी हाथ ना उठाना जो अमान मांग ले, अमान मांग ले। जिस नबी ने ये तालीम दी उसकी उम्मत के बच्चों को बमों से उड़ाया जा रहा है, और बगैर तैयाशी में डूबे पड़े, शर्म नहीं आती है। तुम साथ ना दोगे तो क्या बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा रब ऐसा कादिर मुतलक है, अगर पूरी दुनिया भी खामोश हो जाए तो वो पत्थरों से ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवा लेगा, दरख्त के पत्ते पत्ते ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे। अगर वो चाख ले तो सुने, फिर खुदा की कसम दुश्मनों की जमात से अपने दोस्तों की जमात निकाल लेता है। तारीख गवाह है, डॉक्टर इकबाल ने नहीं कहा था, है आया यो रिशो तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। भाई समझे जरा, करबला शरीफ को देखे, एक ही ऊंट पे तीन लोग बंधे, तीन मुश्किल खड़ी थी अहले बैत तार के लिए, कैदी बना के चलाए गए, आगे आगे ढोल, उनके पीछे इमाम हुसैन का सर, उनके पीछे बाकी नेजों पे बाकी शहीदों के सर, उसके पीछे कैदी, सबसे पीछे सैयदा सकीना। तवज्जो है ना, चलूं आगे, बस ये बात पूरी कर लूं ताकि ढोल समझ में आ जाए कहां और क्यों हुआ था और कैसे बजा था। काफिला चला, जब एक शहर से गुजरने लगा ना तो एक शहर में एक नाबीना अंधा था, भीख मांग रहा था, उंगली पकड़ के एक बच्चे को साथ लाया था ताकि वो उसे रास्ता दिखाए। वो खड़ा हुआ, ढोल की आवाज आई, उसने कहा लगता है कोई बड़ा जश्न है। अंधे ने कहा सवाली, बच्चे ने कहा मतलब कहा लगता है कोई बारात आ रही है इसलिए ये ढोल बज रहा है। कहने लगा बेटे काम करना, जब दूल्हा मेरे पास से गुजरे ना तो मुझे इशारा कर देना। दूल्हा देखे ना हमने, अल्लाह करे सारे नौजवान दूल्हा बने, ये बाप का एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है। लेकिन जब दूल्हा बने अल्लाह करे दुल्हन बाप की मर्जी से लाए, अपने आप की मर्जी से ना लाए, क्योंकि अपनी मर्जी से दुल्हन लाना ये भी बाप का एक अपना एक मोहब्बत का एक पहलू होता है, उसका हक होता है।
बात लंबी होगी, इंशाल्लाह इस पे कभी फिर गुफ्तगू होगी, मैं बात समेट दूं, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। अहमद उल फत्ता भाई को सुनना है, जम के सुनना है। मुझसे कहा गया तुम्हें दो घंटे बोलना है, अहमद उल फत्ता भाई को गया तुम्हें दो घंटे पढ़ना है। आप बताओ आप कितने घंटे तक टिकोगे? अभी दो तीन लोग तैयार हैं बैठने के लिए, बाकी तो इंशाल्लाह चले ही जाएंगे ना, सुनेंगे ना सारे अहमद उल फत्ता भाई को भी, है ना? बहुत अच्छा पढ़ते। सुने बस आखिरी बात, उसने कहा कि जब दूल्हा की सवारी आए ना तो मुझे इशारा कर देना, इसलिए कि जब दूल्हा हो और फिर उससे भीख मांगो, उसके यार बढ़ चढ़ के भीख देते हैं। तुमने नहीं देखा मस्जिद में जा इमाम साहब ने दो रकात पढ़ाई तो दोस्त पूछते क्या देना है कि 551, तो यार कहते हैं कि नहीं लो 1100 लो, दोस्त की शादी है हमारे। होता है कि नहीं? यही होता है कि नहीं भाई? दोस्त बढ़ चढ़ के। उसने कहा कि जब दूल्हा आ जाए तब बताना, मैं सवाल करूंगा। बच्चे ने कहा ठीक है। जब मोड़ से मुड़ा वो काफिला और सबसे पहले ढोलों पे नजर पड़ी ना, बड़े बड़े ढोल, वो कीमती कपड़े, बच्चा कहता अब्बा लगता है बारात बड़े लोगों की है, ढोल बड़े तगड़े हैं, कपड़े बड़े कीमती हैं, बड़े लोगों की बारात है। कहा ठहरे, दूल्हा भी शान वाला होगा। बच्चा ये कह के भी चुप हुआ था कि ढोल की लाइन खत्म हुई और जब सरों की लाइन शुरू हुई, बच्चे ने सरे हुसैन नेजे पे देखा, बच्चा चुप हो गया, बच्चा चुप हो गया, सर देखता रहा। आखिर में जो सर देखा अली असगर का सर था। बच्चे के होश उड़ गए, सोचने लगा बड़ों से दुश्मनी की वजह समझ में आती है, जवान समझ में आते हैं कि कोई लड़ाई हो गई होगी, इसलिए सर काट के नेजे पे रख दिए गए। इस 6 माह के बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा? यह सोच के बच्चा बेहोश होके गिर गया। जब वो सरों की लाइन खत्म हुई और कैदियों की लाइन चली, सबसे आगे जैनुल आबिदीन, इमाम जैनुल आबिदीन अभी आगे बढ़े थे सैयदा जैनब की सवारी। बच्चे को होश आया, उसने उठने के लिए उसके दामन का सहारा लिया, उसने यह समझा शायद दूल्हा आ गया, मेरे बच्चे ने इशारा किया है। उसने हाथ फैला दिया, कूफे का इलाका था, उसने कहा लोगों नबी की खैरात दो, अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो, अली की खैरात दो। उसने यह सोचा यह सारा कूफे का इलाका अली का है तो क्यों ना अली के नाम की भीख मांगो, जैसी इसने कहा है लोगों अली की खैरात तो नबी की खैरात। हजरत जैनब की चीख निकल जाती है, कहती अम्मी फिजा आज कई दिन हो गए हैं किसी ने पहली बार मेरे बाप का नाम लिया है, इससे कहो तो सही बड़ा सुकून मिला है, एक बार और मेरे बाबा का नाम ले दे। आप कहती है मांग जरा किसके सदके में मांग रहा है? उसने कहा नबी की खैरात तो अली की खैरात तो, कहा एक बार और कह तो सही। उसने फिर कहा अली की खैरात तो नबी की खैरात दो। इतना सुना है आप बच्चे की तरफ इशारा करके कहती हैं अम्मा फिजा जरा बच्चे को तो बुलाओ। बच्चा करीब आया, कहा कैसे खड़े हो? कहा हम तो बाप दादा ही भिखारी हैं। कहा अच्छा, कहा कब से मांग रहे हो? कहा नस्ल दर नस्ल मांग के जीते चले आ रहे हैं। आप कहती हैं आज क्या चाहिए? कहा इतना दे दो जो तुम्हारी शाया निशान हो। अल्लाह अकबर, जैसे इतना बच्चे ने कहा है, कहा तू ने जन्नत की बेटी कहती है वो देख जो सबसे पीछे सवारी आ रही है, वो हुसैन की सकीना की सवारी है, जाके उसके पैर की मिट्टी हटा ले, खुदा तेरी मोहताजी दूर कर देगा। बच्चे ने बूढ़े का हाथ पकड़ा, लेके दौड़ गया है, मिट्टी हटाई है, सोने का ढेर निकल आया है, काबा काम बन गया है, आज के बाद भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। कहा किस लिए? कहा ये जो कैदियों का काफिला गया है, इनमें से एक खातून ने मुझे इस सोने का पता बताया था, अब्बा सोना निकल आया है। उसने हाथ पकड़ा बच्चे का, कहा थूक दे सोने पे, वहां लेके चल जहां ये कैदी बेटी गई है। कहा अब्बा किस लिए? कहा तू नहीं जानता है ये जो बेटी गुजर के गई है या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गई है। कहा किस लिए? कहा ये शान रब ने नबी वालों को अता की है, अगर मिट्टी को सोना कहते हैं तो मिट्टी सोना हो जाती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे सौदाए करबला, फैजाने सौदाए करबला, मसलक आला हजरत, तालीमात आला हजरत, पैगाम आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। साबिर भाई कितने? साबिर भाई
साफिर भाई हैं या इंतजाम में लगे हुए? इंतजाम में लगे हुए। अल्लाह उन्हें जजाए खैर दे। बड़ी मुश्किल तो यही होती है कि बांटने वाला अक्सर भूखा रह जाता है। हाँ, इंतजाम करने वाला अक्सर बेसुकून रहता है। जो जलसा कराता है वो कभी तकरीर सुन नहीं पाता है, क्योंकि इंतजाम ही ऐसे होते हैं। मगर याद रखिए, आप कहीं भी है ना, अल्लाह आपकी नीयत देख रहा है, नीयत देख रहा है। रब बड़ा करीम है हमारा, बड़ा करीम रब है, बड़ा करीम रब है हमारा। ठीक है जी। अहले बैत अतहार को कैदी बना करके ढोल आगे बजाए गए थे, बजाने वाले यजीदी थे। तुम किस चीज का ऐलान कर रहे हो? क्या हुसैन की शहादत इतनी छुपी हुई शहादत है कि तुम्हारे ढोल से ऐलान हो गया? क्या हुसैन की शहादत इतनी ढकी शहादत है तुम ढोल बजा के बताओ कि मुहर्रम का महीना आ गया? तुम्हारे जैसे बेगैरत होंगे जो ढोल से पता लगाएंगे। आशिक तो उंगलियों पे महीने याद रखते हैं, आशिक उंगलियों पे महीने याद रखते हैं, ढोल से पता नहीं चलता है कि मुहर्रम वाला आ गया है। ढोल से नहीं, चांद बता देता है करबला वालों का महीना आ गया है। हमें ना बताओ ढोल से, हम तो खुशबू से पहचान लेते हैं। जानते हो हम मुसलमान हैं, हमारे साल का इख्तिताम भी कुर्बानी से है, इब्तिदा भी कुर्बानी से है। जब एक कुर्बानी हो जाती है हम समझ जाते हैं दूसरी कुर्बानी आने वाली है। हाँ, तो भाई ख्याल कीजिए, ख्याल कीजिए, तवज्जो करें। अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का हुसैन ही बना दे, हुसैन ही बना दे। जहां पे इमाम हुसैन के सब्र की इंतहा हुई, वहां से सैयदा जैनब के सब्र की इब्तिदा हुई। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। करबला से शाम, कूफा, फिर शाम, करबला होते हुए मदीने ये काफले वापस पलटा काफला। 9 महीने लगे। जब पैदल सफर जोड़ा गया तो 5600 मील मसाफत निकली। किलोमीटर आप हिसाब लगाना, 5600 मील पैदल सफर। अली की बेटी तेरी जुर्रत को सलाम, पैदल चल के आई है, खाली नहीं आई है, कुरान पढ़ती हुई तशरीफ लाई है। जब ये सफर मदीने में मुकम्मल हुआ था, सैयदा जैनब के 72 कुरान मुकम्मल हो चुके थे, 72 कुरान। इमाम जैनुल आबिदीन का हाथ पकड़ा, सज्जाद जी पूपी ये सामने क्या है? कहा हुजूर का रोजा, हुजूर का मजार है, हुजूर का मजार है। कहा पूपी पता नहीं आपको? कहा पता तो है, लेकिन तुझसे पूछ रही थी। क्यों? कि मैंने हुसैन से वादा किया था कि तेरे सज्जाद को मदीने तक खैरियत से लेके जाना है, ले आई हूं, इसलिए मैंने तुझे हुजूर की चौखट दिखा के पूछा, आ गए ना मदीना? जी पूपी। फिर रुख किया करबला की तरफ, हुसैन देख मैंने तेरे सज्जाद को खैरियत से मदीने पहुंचा दिया है, इसलिए हम कहते हैं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर, इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। साथ होने का मतलब ये नहीं है रब की रहमत तलवार की धार बन जाए, मतलब ये नहीं है तुम्हारी तीली भी तलवार बन जाए, मतलब रब की रहमत का और साथ होने का ये है जो काटने आए थे वो मिट गए, जो कटने आए थे वो आज भी बाकी है, वो आज भी बाकी है। जिन्होंने 22,000 नहरे फुरात पे लगाए थे पहरे, आज उनकी नस्लें प्यासी तरस रखी हैं। कल जो कयामत तक पानी नहीं मिल पाएगा जिन्हें, खुदा की कसम वो आज भी प्यासे हैं। मगर हुसैन तेरी सरहदों को सलाम, तेरी हुकूमतों को सलाम। तू कट गया लेकिन आज भी करबला पे तेरा कब्जा बाकी है, आज भी नहरे फुरात तेरी हद में गिनी जाती है। जहां जहां दुश्मनों के खेमे थे आज वहां वहां की मिट्टी की तेरे कदम की लगने की बरकतों से इज्जतें मिल गई। हुसैन तेरी इज्जत और अजमत को सलाम, तेरी रिफत और पाकिजगी को सलाम। ये खुदा के साथ होने का मतलब है। जो जिन्होंने काटा वो खत्म, जो कटे वो बाकी हैं।
आप कहें कैसे पूरी दुनिया घूम लो, कोई नहीं कह सकता मैं शिमर की औलाद हूं, कोई नहीं कह सकता मैं जिलजोशन की औलाद हूं, कोई नहीं कह सकता मैं सिनान की औलाद हूं, कोई नहीं कह सकता मैं इब्ने साद की औलाद हूं, कोई नहीं कह सकता हुरमला की औलाद हूं, कोई नहीं कह सकता कि मैं यजीद की औलाद हूं। जाओ चप्पा चप्पा घूम आओ, अल्लाह के साथ होने का मतलब समझ में आएगा। जहां सैयद मिले पूछ लेना, तो कोई कहेगा इमाम बाकिर का बेटा हूं, कोई कहेगा इमाम जाफर का बेटा हूं, कोई कहेगा मूसा कासिम का बेटा हूं, कोई कहेगा तकी अली का बेटा हूं, कोई कहेगा नकी अली का बेटा, कोई कहेगा रजा अली का बेटा हूं। दुनिया घूम के आ जाओ, लोग तुम्हें तलाश कर लो, एक की बात करते हो, हर घर के अंदर एक न की कई कई हुसैन मिलेंगे। कोई अहमद हसन है, कोई मोहम्मद हुसैन है, कोई अली हसन है, कोई अली हुसैन है। वजह क्या है? खुदा की कसम, यजीद जीत के भी हार गया, हुसैन हार के भी जीत गया। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बस फरमाई से शजरे की आखिर में पढ़ते शजरा। कमेटी वाले हैं यहाँ पे लोग हैं? कमेटी वाले लोग सब काम में लगे, पीछे बैठे हुए हमारे भाई लोग माशाल्लाह। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, बस मैं आपकी फरमाइश पे शजरा पढ़ रहा हूँ, लेकिन शर्त यह है कि अब जरा आपको मेरा साथ देना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया ना, और इसलिए भी नहीं कहलवाता हूँ, मैं जानता हूँ माल अच्छा होता कीमत खुद लगती है। मुश्क बेचने वाला कभी नहीं कहता मैं मुश्क बेच रहा हूँ, खुशबू बता देती है कि सौदा किस चीज़ का है ना। आपने बहुत अच्छा सुना, लेकिन अब मैं आपसे सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूँ क्योंकि मैं थक चुका हूँ। तकरीबन दो घंटे होने वाले हैं, पौने दो घंटे से ऊपर सुई जा चुकी है। बस मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैं शजरा पढ़ूँ, आप सुभान अल्लाह कहें, तो ये आपको सुभान अल्लाह तब कहना जब मैं हाथ का इशारा करूँगा। समझ जाना मौलवी का दम घुटने लगा है, यानी सांस टूट रही है, तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे, उसी बीच में मैं सांस ले लूँगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, मतलब भाई बात साफ सुथरी अच्छी रहती है। जरा कह दें सुभान अल्लाह, इतनी जोर से कहो कि सुभान अल्लाह, इससे ज्यादा शोर तो लंगर में कर लेते हैं हम लोग। हम सुन्नी जी हैं, सलामत रहे। हम सुन्नी, हम सुन्नी बरेली वाले हैं, बस आपका साथ चाहिए और अब बोलने सुभान अल्लाह। ये बच्चे देखो खुदा के कसम, छोटे छोटे बच्चे, अब तक तो इन्हें सो जाना चाहिए था, तीन बज रहे हैं और ये जाग रहे हैं। पता लग रहा है कि मदीने वाले की नजरे करम हो गई है, और जिस पे हुजूर की नजर पड़ जाए नींद तो क्या मौत भी करीब नहीं आती है, मौत भी करीब नहीं आती है, मौत भी करीब नहीं आती है ना अहमद अल-फत्ता भाई, मौत भी करीब नहीं आती है। मुझे बात याद आ गई बताऊंगा नहीं, फिर तकरीर आधा घंटा बढ़ जाएगी। अब जरा बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश साथ नहीं छोड़ेंगे, खड़े वाले भाई भी इंशाल्लाह साथ देंगे। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे, बहुत अच्छे माँ बाप की परवरिश की, परवरिश का नतीजा है जो आपने माशाल्लाह हुजूर का जिक्र सुना है। वरना लोग तो दरवाजे जलसा दरवाजे पर होता हो फिर भी उठ के नहीं आते हैं, ठीक है। एहसान मानो जहरा के लालों का, उन्होंने जगा के तुम्हें बैठा रखा, जगा के बैठा रखा, बिस्तर से बुला के रखा है, यूं ही नहीं आए हो, जहरा के लालों ने बुलाया। जब बुलाया तो फिर जरा साथ में बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, बीच वालों कौन से नहीं, पीछे वाले बोल रहे, ये बीच वाले तो ऐसे सर पे हाथ रख के बैठे कि फंस गए यार, ये हटें तो हम निकलें, ऐसा तो नहीं है ना। फिर जरा बोलें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मतवशिक, मतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नू, नू के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे
मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जज्बात जज्बात ऐसे नहीं दिखाने चाहिए जिसमें तकलीफ हो। बैठिए आप लोग, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। जज्बात को बैठ जाइए, जहां पर है ना वहीं से अपने जज्बे का इजहार। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। अल्लाह सलामत रखे, महफिल की मकबूलियत की घड़ी है। ये रात का आधे से ज्यादा हिस्सा गुजर गया, अब यूं समझें सहरी का वक्त शुरू होने वाला है। वक्त सहरी का वो है जिसमें हुजूर तशरीफ लाएगा, ठीक है, जिसमें हुजूर तशरीफ लाएंगे उसी वक्त में नात पढ़ने के लिए अहमदुल फत्ता तशरीफ लाएंगे। तो आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, बैठे रहिएगा बैठे रहिएगा। आपने 4 घंटे बर्दाश्त किया है, 4 घंटे और बर्दाश्त किया। जिन्होंने खानदान हमारे लिए दे दिया, हम एक रात उनके लिए नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। खातून जन्नत के लालों के लिए हम नस्लें कुर्बान कर दें, नस्लें कुर्बान कर दें। खुदा की कसम याद रखिएगा, हम जन्नत में भी दुनिया में भी खातून जन्नत का सदका खाते और जन्नत में भी खातून जन्नत का सदका खाएंगे। आप कहेंगे कैसे, तो सुनिए, जन्नत में एक दरख्त है तूबा, दरख्त इतना बड़ा है कि हर जन्नती के मकान में उसकी शाख होगी, हर जन्नती के मकान में उसकी शाख होगी, हर जन्नती को उसका फल मिलेगा, हर जन्नती के घर में उसकी खुशबू जाएगी। लोग हिसाब लगा लें, पूरी जन्नत में जिसकी शाखें फैली होंगी वो दरख्त कितना बड़ा होगा, और दरख्त इतना बड़ा होगा तो फिर खड़ा कहाँ होगा। जानते हो फरमाया गया, जिसकी शाख हर घर में होगी जन्नत के, उसकी जड़ खातून जन्नत की हवेली में होगी। इसीलिए हम सुन्नी कहते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी के तेरा पानी, दाना के तेरा दाना। हम तो फख्र से कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका 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 तेरा। कौन देता है देने को मुँचा गिए, देने वाला है सच्चा। नोट करो रे कैमरे वालों, इन्हें भी देखा करो, ये आशिक है। खाली मिंबर वाले नात नहीं पढ़ते, अहमदुल फत्ता नात नहीं पढ़ते, खाली मौलवी नात नहीं पढ़ता, आशिक भी सारे नात पढ़ते हैं, सारे पढ़ते हैं, सारे ही पढ़ते हैं, सारे पढ़ते हैं। कौन देता है देने को मुँचा किए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और देने वाला खुदा की कसम, दे के कुछ मुंह टेढ़ा कर लेते, दे के मुंह टेढ़ा कर लेते कुछ लोग, लेकिन जब वो देते तो उनकी अता क्या होती है, अता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा। खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात, जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर ने हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले, सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ذنبٍ वतूबु इलैहि वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई उठेगा नहीं, मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, आप लोग अपनी जगह पे बस 10 मिनट बैठे।